दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा आज सैकड़ों टीचर्स के साथ नाका नंबर 5 से कर्पूरी चौक तक विशाल कैंडल जुलूस निकाला गया। दरभंगा के सभी प्राइवेट टीचर्स ने एक साथ सरकार द्वारा पारित किए गए उस आदेश का समर्थन किया जिसमें स्टूडेंट्स को स्कूल्स और कॉलेजेस आने और 75% अटेंडेंस की बाध्यता है, परंतु प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बंद रखने के आदेश को सबों ने एक साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग की कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कानून में संशोधन की आवश्यकता बताई थी। वैसे स्टूडेंट्स जो स्कूल या कॉलेजेस पास आउट है उन्हें हम लोग भर दिन क्यों ना पढ़ाई करवाएं, अन्यथा हम लोगों का क्या होगा। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया जिसमें शहर के अलावा जिले के सुपौल, बिरौल, भरवारा, सिंगवारा, आनंदपुर, बहेरी और अन्य स्थानों से भी टीचर्स ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जुलूस का नेतृत्व इंजीनियर आर ई खान, आनंद कुमार करण, राजशेखर झा, के पटेल, आर के झा, एन कुमार, मन्नू कुमार सहित कई शिक्षकों ने किया। आज 20 अगस्त है और अगस्त क्रांति के नाम से हमारा देश बहुत मशहूर है। इसी अगस्त में हम लोगों को आज़ादी मिली थी। दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन बिहार सरकार की जो नियमावली है 2010 उसका पुरजोर सपोर्ट करता है। भारत बिहार सरकार ने जो नियम बनाए हैं शिक्षा विभाग ने कि बच्चे 9 से 4 स्कूल जाएं, हम लोग सब लोग सारे प्राइवेट टीचर इसका समर्थन करते हैं। स्कूल में रौनक बढ़े, कॉलेज में रौनक बढ़े, पढ़ाइयाँ आप सुचारू रूप से चले, हम सभी प्राइवेट टीचर ये चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे किसी कॉलेज से जुड़े हुए नहीं हैं, जो बच्चे किसी स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं, जो IIT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दिन में पढ़ाने में सरकार को क्या आपत्ति है। वो अगर दिन में ट्यूशन करेंगे, जो बच्चे किसी कॉलेज से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हैं, अगर वो दिन में क्लास करते हैं, ट्यूशन करते हैं, तो सरकार को क्यों आपत्ति है। सरकार ने ये तुगलकी फरमान क्यों निकाला कि उनको भी नहीं पढ़ाए। आप समझिए कि एक कोचिंग में केवल टीचर नहीं होते हैं, स्टाफ है, कोचिंग के रेंट्स हैं। अगर 7-8 घंटे अगर कोचिंग बंद रही तो 90% से ज़्यादा इस शहर के कोचिंग बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी बिहार के रिजल्ट्स इस साल IIT और मेडिकल में काफ़ी खराब आए हैं। अगर कोचिंग सिस्टम बंद हो गई, दिन में अगर कोचिंग सिस्टम नहीं चला, खास करके वो बच्चे जो कॉलेज स्कूल से नहीं जुड़े हैं, तो एक मुद्दा ये है। एक हमारी मांग ये है माननीय शिक्षा विभाग से कि आप अपने नियम पर कायम रहें, बस उसमें एक चेंज कर दें। वो चेंज ये है कि देखिए सरकार का जो ये आदेश है ये बहुत बढ़िया है कि 9 से 4 हम लोगों को नहीं पढ़ाना। अगर सरकार अगर 9 से 10 का ये आदेश अगर लागू करे तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। बस हम लोगों का मांग केवल इतना है कि 9 से 4 के बीच में हुए बच्चे तो किसी भी सरकारी संस्था से नहीं जुड़े, उन लोगों को जो है तो हम लोगों को पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की भी रोजी रोटी की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा है कि ये पढ़ाना एक प्रकार का व्यवसाय है, तो हम लोगों को व्यवसाय करने का जो अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया है उसको हम लोगों को पालन करने दिया जाए। तो हम लोगों को अपना अधिकार है व्यवसाय करने का, हम लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है, उसको हम लोगों को जो है रोक करना चाहिए उससे। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।